हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस एम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो सो दिस इज द पार्ट वन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग तो कॉस्टिंग के एमसीक्यूज आज हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं तो so, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो बाकी के भी सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए कर लिए हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे तो प्ले बना के रखा है एम ऑफ टी वाई बी कॉम तो वहाँ पर जाके सारे के सारे आप एम सी क्यूज चेक कर सकते हैं काफ़ी सारे कंसेप्ट आपके उसमें रिवाइज हो जाएंगे तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के कॉस्टिंग के कुछ एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है और बेसिक्स को भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है इफ एक्चुअल कॉस्ट इज मोर देन स्टैंडर्ड कॉस्ट अगर आपकी एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज्यादा रही देन इट इज कॉल्ड एज फेवरेबल एडवर्स नील या नन ऑफ दी अबाउ तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एडवर्स देखो हमने अगर बात करें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम दो कॉस्ट के ऊपर ध्यान रखते हैं एक होता है एक्चुअल कॉस्ट और एक होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट अगर आपकी एक्चुअल कॉस्ट अगर मोर है स्टैंडर्ड कॉस्ट से ठीक है हम क्या करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट के साथ माइनस करते हैं अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी टेन है और एक्चुअल कॉस्ट हमारी ट्वेल्व है तो टेन माइनस ट्वेल्व करेंगे तो हमें क्या होगा नेगेटिव आंसर आएगा और नेगेटिव आंसर को इसमें क्या बोला जाता है इसमें बोला जाता है एडवर्स इफ यू रिमेंबर इस चैप्टर में तीन टाइप के वेरिएंसेस होते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस 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 मटेरियल मटेरियल यूसेज कॉस्ट सिमिलरली लेबर रेट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एंड लेबर कॉस्ट वेरिएंस ये तीनों के फॉर्मुलास काफी अच्छी तरीके से पढ़ के रखना यहाँ से काफी सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं इफ सेलिंग प्राइस इंक्रीजेस दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड विद मार्जिनल कॉस्टिंग इफ सेलिंग प्राइस इंक्रीजेस द ब्रेक इवन पॉइंट विल अगर आपकी सेलिंग प्राइस बढ़ेगी तो ब्रेक इवन पॉइंट पे उसका क्या इंपैक्ट होगा डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा नो no इफेक्ट होगा या नन ऑफ द अबाव होगा तो ध्यान रखना जब आपकी सेलिंग प्राइस बढ़ती है तो ब्रेक इवन पॉइंट भी बढ़ेगा सेलिंग प्राइस के साथ साथ ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो वो भी आपका बढ़ता जाएगा अगला पॉइंट द फॉर्मूला फॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज वॉट एमओएस तो एम इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज फ्रॉम द मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर्मूलाज बराबर से पढ़ के रखे वहां से एमसीक्यू बन सकते हैं प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवीआर एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स एंड बी सेल्स माइनस कॉन्ट्रीब्यूशन ठीक है सेल्स माइनस कॉन्ट्रीब्यूशन इनमें अगर आप ध्यान से देखो अगर फॉर्मूला पता है तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी तो आपको ध्यान रखना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला प्रॉफिट डिवाइड बाई पी वी आर से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं और जो आपके एक्चुअल सेल्स में से ब्रेक इवन पॉइंट का आंसर आएगा उसको भी माइनस करके आप ढूंढ सकते हैं नेक्स्ट दैट इज फ्रॉम दी कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट डब्ल्यू आई पी लेजर दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस लेजर बैलेंस शोस वर्क इन प्रोग्रेस का जो बैलेंस है वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है काम अभी चल रहा है कॉस्ट ऑफ फिनिश वर्क कॉस्ट ऑफ अनफिनिश वर्क कॉस्ट ऑफ मटीरियल नन ऑफ द अबव आई थिंक आपको ऑप्शन से ही पता चला होगा इसका राइट right आंसर है कॉस्ट ऑफ अनफिनिश वर्क अनफिनिश क्यों क्योंकि अभी काम चल रहा है काम कंप्लीट नहीं हुआ है दैट इज अनफिनिश्ड वर्क ओके चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में जाएंगे द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस इज ये पूरा फॉर्मूला है ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको ध्यान में रखना है मटेरियल प्राइस वेरिएंस मटेरियल यूसेज वेरिएंस मटेरियल लेबर रेट लेबर एफिशिएंसी ठीक है तो इसका राइट right आंसर है मटेरियल यूसेज वेरिएंस अब ध्यान से समझना हमको कैसे कैलकुलेट करना है और कैसे आपको फॉर्मूला को याद रखना है देखो हम अगर बात करें मटीरियल प्राइज वेरियंस मटीरियल यूसेज वेरियंस और मटीरियल कॉस्ट वेरियंस ठीक है मटेरियल प्राइस तो ये जो बीच में है दिस इज कॉल्ड एज प्राइस ये जो यूसेज है usage से आपको याद रखना है क्वांटिटी अब मैं फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं प्राइस है तो आपका फॉर्मूला बनेगा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी ठीक है प्राइस है तो ब्रैकेट में प्राइस आएगा क्वांटिटी है तो ब्रैकेट में क्वांटिटी आएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस ठीक है और कॉस्ट वेरिएंस में क्या हम करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है देखो कैसे कर रहा हूं स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस ये तीन है आपके फॉर्मूले मटेरियल प्राइस वेरिएंस के अगर हम लेबर के फॉर्मूलाज देखें तो लेबर में एक शॉर्टकट है जो आपको याद रखना है जहाँ पे भी आपने प्राइस लिखा है पी को आपको सब्सिट्यूट करना है आर से और क्यू को आपको सब्सटीट्यूट करना है एच से जैसे लेबर रेट वेरियंस लेबर एफिशेंसी वेरियंस और लेबर कॉस्ट वेरियंस देखो लेबर रेट वेरियंस यही फार्मूला लिखना है पी निकाल के आर लिखना है एस आर माइनस ए आर मल्टीप्लाइड बाय ए एच एफिशियंसी वेरियंस क्या बनेगा आपका फॉर्मूला एस एच माइनस ए एच मल्टीप्लाइड बाय एस आर ठीक है और इसी को मल्टीप्लाई करो आप एस एच इंटू एस आर माइनस ए एच इंटू ए आर इतना ही आपको याद रखना है बाकी कोई भी चीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं सिर्फ दो फॉर्मूलाज याद रखो बाकी के फॉर्मूलाज ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्ट आपके हो जाएंगे आई होप कि आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बेसिक मैंने इसमें से क्लियर करवा दिया है तो क्या बोल रहा है ये द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस ठीक है क्या बोल रहा है ये डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्वांटिटी कौन से वेरिएंस में आता है तो मैंने आपको बताया था क्वांटिटी आता है यूसेज के वेरिएंस में तो इसका राइट right आंसर बना मटेरियल यूसेज वेरिएंस ओके चलो आगे बढ़ते हैं कॉस्ट एलोकेशन बेसिस इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग विच इज कॉल्ड एस एबीसी शुड बी कॉस्ट एलोकेशन बेसिस कॉस्ट किस तरीके से एलोकेट किया जाता है कॉस्ट पूल एक्टिविटी सेंटर्स कॉस्ट ड्राइवर्स या रिसोर्सेस तो इसका राइट right आंसर बनता है कॉस्ट ड्राइवर्स ओके okay? ध्यान से प्रोसेस कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल टू प्रोसेस कॉस्टिंग कहा एप्लीकेबल होता है रिपेयर वर्क पेपर इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ऑल ऑफ द अब तो प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं जैसे इनमें से अगर देखें तो अप्रोप्रिएट आंसर बनता है आपका पेपर इंडस्ट्री बिकॉज वहां पे पेपर बनने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं उसके बेसिस पे स्टेजेस के बेसिस पे ये इंडस्ट्री जो है वो काम करता है दैट तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पेपर इंडस्ट्री नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट इज इक्वल टू तो मैंने आपको पहले भी एक वर्क इन प्रोग्रेस का क्वेश्चन यहां पे डाला है वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है कि काम अभी चल रहा है कंप्लीट नहीं हुआ तो अभी ऑप्शन से चेक करते हैं द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड द टोटल कॉस्ट ऑफ इनकम्प्लीट जॉब तो ये आंसर हो सकता है आगे देखते हैं द टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड एंड सोल्ड द टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड देखो ऑप्शन तो बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है ऑप्शन तो बहुत बड़े बड़े लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे द टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड द टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता तो इसका आंसर होगा तो टोटल कॉस्ट ऑफ इनकम्प्लीटेड जॉब बिकॉज इनकम्प्लीट का मतलब ही डब्ल्यू होता है द पर्सन फॉर हुम कॉन्ट्रैक्ट जॉब इज अंडरटेकन तो कॉन्ट्रैक्ट जॉब जिसके लिए अंडरटेकन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है एक होता है कॉन्ट्रैक्टर और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्टी तो ध्यान रखना आपका एक कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है और जिसके बिहार पे कॉन्ट्रैक्ट ले जाता है वो होती है कॉन्ट्रैक्टी तो पर्सन फॉर हुम द कॉन्ट्रैक्ट जॉब इज अंडरटेकन जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है ऐसा पूछ रहा है तो इसका आंसर होगा कॉन्ट्रैक्ट टी ओके चलो आगे बढ़ते हैं टेन नंबर का क्वेश्चन वेन कॉन्ट्रैक्ट वर्क इज कंप्लीटेड टू द एक्सटेंट ऑफ ट्वेंटी परसेंट क्या बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट वर्क इज कंप्लीटेड टू द एक्सटेंट ऑफ ट्वेंटी परसेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज फुल अमाउंट वन थर्ड ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट या नील तो इफ यू रिमेंबर अगर ट्वेंटी परसेंट तक आपका प्रॉफिट है तो ये क्या बोल रहा है कि वेन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज कंप्लीटेड टू द एक्सटेंट ऑफ ट्वेंटी परसेंट तो बीस परसेंट तक आपका पॉइंट है तो इसके लिए रूल था अगर आपको याद है तो अगर ट्वेंटी फोर परसेंट तक होगा तो पूरा का पूरा रिजर्व में ट्रांसफर होता है ठीक है अगर पच्चीस परसेंट से लेके फोर्टी नाइन परसेंट तक है तो वन थर्ड का फॉर्मूला था और अगर पचास परसेंट या उससे ऊपर रहेगा तो टू थर्ड का फॉर्मूला था यहां पे तो ट्वेंटी परसेंट बोल है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा पूरा का पूरा रिजर्व में जाएगा तो ये तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे तो इसका आंसर होगा नील ओके okay? चलो आगे बढ़ते हैं मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपकी बेसिक्स भी इसमें से क्लियर करने का ट्राई कर रहा हूं कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग तो कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉस्ट है वो किस बेसिस पे बनता है क्या हम कॉन्ट्रैक्ट में कॉस्ट शीट बनाते हैं बिल्कुल नहीं क्या हम कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं बिल्कुल नहीं बैलेंस शीट भी नहीं तो इसके लिए राइट right आंसर होगा सेपरेट लेजर अकाउंट बनता है देखो कॉन्ट्रैक्ट में हम सेपरेट लेजर बनाते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जिसमें हम सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं सारे डिटेल्स लिखते हैं डब्ल्यू लिखते हैं एवरी पॉइंट वी आर राइटिंग इन दैट फिर प्लांट लिखते हैं उसका डेप्रिसिएशन काउंट करके तो बेसिकली इसीलिए एक सेपरेट लेजर यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है अगले क्वेश्चन में जाएंगे मटीरियल परचेजेस फॉर अ स्पेशल जॉब इज अकाउंटेड इन तो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट तो क्या ये कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर होगा स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डब्ल्यू आई पी लेजर कंट्रोल अकाउंट या ओवरहेड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट टू रिमेम्बर जो भी आपका स्पेशल जॉब का मटीरियल होता है यह ट्रांसफर होता है डब्ल्यू आई पी में ठीक है वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आई होप की आपका यह क्वेश्चन क्लियर है क्वेश्चन नंबर थर्टीन द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज टू कंट्रोल कॉस्ट थ्रू द बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आर एस्टिमेटेड कॉस्ट कॉस्ट स्टैंडर्ड एनालिसिस नन ऑफ अबव तो देखो ध्यान से ऑप्शनिस इंपॉर्टेंट से, हम हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या करते हैं वेरियंसेज ढूंढते हैं वेरियंसेस का मतलब क्या होता है डिफरेंसेस हम डिफरेंस फाइंड करते हैं किसके बीच में डिफरेंस फाइंड करते हैं एक्चुअल कॉस्ट के और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच में ठीक है स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच में तो इनके बीच में जो भी डिफरेंसेस आता है उसी को बोला जाता है स एनालिसिस तो दैट इज कॉल्ड एज वेरियंस एनालिसिस फर्दर तो इसका राइट आंसर है वेरियंस एनालिसिस क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एलिमेंट्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग इंक्लूड तो टारगेट कॉस्टिंग क्या होता है हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमको कौन से प्राइस में बेचना है तो टारगेट कॉस्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है तो दैट मीन्स वी आर टारगेटिंग द कस्टमर हम कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशंस को देखते हैं और उसके बेसिस पे पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट का कितना प्राइस होगा कस्टमर से राय लेते हैं कस्टमर्स हमको अगर बताएंगे कि इस इतना प्राइस में हम आपका प्रोडक्ट परचेस करने को रेडी है तो उतने प्राइस में ही हम प्रोडक्ट बनाने का ट्राई करते हैं जैसे टाटा का नैनो कार जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है ठीक है कस्टमर ने सोचा एक लाख के अंदर मुझे कार मिल सकती है तो टाटा ने क्या ट्राई किया एक लाख के अंदर नैनो कार मैन्युफैक्चरिंग करना है दैट इज कॉल्ड एज टारगेट कॉस्टिंग का बेसिक एग्जाम्पल कॉम्पिटिटर्स इन्फॉर्मेशन कॉस्ट स्ट्रक्चर एनालिसिस कस्टमर रिक्वायरमेंट्स या ऑल ऑफ दी अबाव तो इसका राइट right आंसर है ऑल ऑफ दी अबाव ये सारी चीजें टारगेट कॉस्टिंग में देखी जाती है फर्दर आज का लास्ट क्वेश्चन एबनॉर्मल गेन दिस इज रिलेटेड विद प्रोसेस कॉस्टिंग तो एबनॉर्मल गेन कब अराइज होगा abnormal gain arises when abnormal loss is avoided output quantity is more than input there is reduction in normal loss and none of the above देखो अगर आपको format थोड़ा सा पता है याद है तो हम क्या करते हैं हम input लिखते हैं input में से हम normal loss को minus करते हैं तो हमें answer मिलता है expected output expected output में से हम क्या करते हैं actual output को minus करते हैं अगर आपका expected output समझो थाउजेंड आया अगर आपका एक्चुअल आउटपुट 1200 आता है तो हमको 200 नेगेटिव आंसर मिलता है और ये 200 को ही हम बोलते हैं एबनॉर्मल गेन तो आपको ध्यान रखना है कि जब आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट अगर आपकी एक्चुअल आउटपुट आपके एक्सपेक्टेड आउटपुट से ज्यादा है तो ही एबनॉर्मल गेन आएगा वेन एक्चुअल आउटपुट इज मोर तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आउटपुट क्वांटिटी इज मोर देन इनपुट तो ये मोर वाला आंसर यहीं पे दिख रहा है तो इसीलिए इसका राइट right आंसर बनेगा आउटपुट क्वांटिटी इज मोर देन इनपुट ओके दीज आर द फिफ्टीन क्वेश्चन विच वी हैव डिस्कस आई होप कि आपको यह सेशन अच्छे लग रहे हैं आपको हेल्प कर करते हैं अगर आपको ये हेल्प करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें ताकि मुझे भी पता चले कि यू ऑल आर एंजॉइंग द सेशन यू ऑल आर कंफर्टेबल विद ऑल द पॉइंट्स विच आई एम एक्सप्लेनिंग और इसका आपको काफ़ी हेल्प होने वाला है तो दो दो सब्जेक्ट्स फिलहाल मैंने शुरू किए हैं एक है अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग दूसरा है कॉस्टिंग तो इसके एम आपको रेगुलर बेसिस पर मिलेंगे और जैसे कम्फर्टेबल इसके एम हो जाएंगे उसके बाद मैं अगले दो सब्जेक्ट्स को ले लूँगा दैट विल बी द पॉइंट ताकि आपके बहुत सारे एम कवर अप हो जाए और ये सारे के सारे एमसीक्यूज आपको कंबाइंड पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग खत्म होने के बाद पूरा का पूरा फाइनेंस जितने लेक्चर्स लिए सबका कंबाइंड पीडीएफ टेलीग्राम के चैनल पे शेयर करूंगा तो टेलीग्राम का चैनल अगर अब तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो लास्ट मिनट रिवीजन भी दारे सेम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर ले और वहां से ज्वाइन हो जाए ताकि पीडीएफ आपको टाइम टू टाइम मिले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर